हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सफलता मंत्र। दोस्तों, 24 फरवरी की शिक्षा विभाग से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण खबरों को लेकर आप सभी के बीच में आए। जैसा कि आप सभी लोगों को कुछ न्यूज़ के बारे में पता लग गया होगा, हम लोग एक एक करके सभी बातों पर चर्चा करेंगे। आप लोग क्लास को एंड तक जरूर देखिएगा। काफ़ी लोग कॉल कर रहे थे, जिसकी वजह से ये आज की स्पेशल क्लास आप लोगों के लिए लानी पड़ी है, क्योंकि कल का दिन आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। 69,000 भर्ती, जो कि काफ़ी दिन से आप लोग इंतज़ार कर रहे हैं। 18 तारीख को डेट लगी थी, लेकिन कुछ भी कारण रहा हो जो कि स्पष्ट नहीं हो सका, उसके कारण सुनवाई नहीं हो पाई थी। जज साहब उठकर चले गए थे, तो उसके बाद सभी लोगों का इंतज़ार है 25 फरवरी का, क्योंकि डेट जो लगी है 25 फरवरी लगी है और आप लोगों की 69,000 भर्ती की सुनवाई होने वाली है। और मेन इसलिए है क्योंकि ये देखना होगा कि क्या जज साहब आगे की रणनीति बनाते हैं, क्या देखा जाता कि कितना समय और लगेगा। इसके अलावा कैसा जो बीएड बीटीसी के वकील हैं, क्या किस प्रकार से अपील करते हैं अंतरिम आदेश की, वह देखना होगा। कि जो एजी साहब आने को कहा जा रहा था कि क्या वो कोर्ट में मौजूद रहते हैं या नहीं रहते हैं, सभी स्थितियां आपकी कल ही क्लियर हो पाएंगी। और जैसा कि आपने ऑडियो सुना होगा रिजवान अंसारी का, उसमें उन्होंने बताया था कि उपेंद्र नाथ मिश्रा अब नहीं बहस करेंगे, उनके स्थान पर अब एचएन सिंह बहस करेंगे। तो कल का दिन देखना होगा, एचएन सिंह जी बहस करेंगे, अपनी स्टार्ट करेंगे, कितना समय वो लेते हैं। एचएन सिंह के बाद एक परिहार जी कोई वकील हैं वो, इसके अलावा एक दो लोग और हैं। तो बताया जा रहा कि मुश्किल से एक या डेढ़ घंटे बहस कर पाएंगे एक एक करके सभी लोग। और आपका जो डेट लगी हुई है, ये देख लीजिए, कोर्ट का कॉज लिस्ट जारी हो चुकी है और इसमें 9 नंबर पर अपना केस लगा हुआ है। ये देखिए 156/2019 ये वाला केस लगा हुआ, यही 69,000 भर्ती से संबंधित केस है। और इसकी जो भी स्थिति होगी, कल आपको बिल्कुल सटीक अपडेट के साथ लेकर आएंगे, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी भी इसको लेकर काफ़ी बार कह चुके हैं। अभी कल परसों ही एबीपी न्यूज़ के माध्यम से भी उन्होंने फिर से इसके बारे में कहा था कि जैसे ही कोई रणनीति निकल कर आती, जैसे ही कोर्ट का केस फाइनल होता, तुरंत पूरी तैयारियां हो चुकी हैं, तुरंत भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। लेकिन बात कोर्ट की तारीख पे तारीख की है और उससे कल अब स्थिति बिल्कुल क्लियर हो जाएगी कि क्या ये भर्ती समय पर हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। चलिए बात करते हैं इसके अलावा, कल एक केस की डेट और लगी है, वो है आपका यूपी टेट 2019 का केस। यूपी टेट 2019 नंबर को लेकर कुछ जो कोर्ट ने, जो पीएनपी ने गलत आंसर दिए थे और उनको गलत नहीं माना है, तो इसको लेकर कोर्ट में केस किया गया था, जिसकी कल 25 तारीख डेट लगी हुई है। उसकी भी सुनवाई जैसे ही होगी, उसके बारे में भी आपको बिल्कुल सटीक अपडेट देते रहेंगे। इसके अलावा दोस्तों, नई शिक्षा नीति को लेकर कल कुछ चर्चाएं की गई। नई शिक्षा नीति जो कि आने वाली है, और उम्मीद है कि मार्च में, यानी कि नए सेशन के बाद 1 अप्रैल से नई शिक्षा नीति लागू होने की संभावनाएँ हैं। इसको लेकर कहा गया कि इसके बाद नई शिक्षा नीति लागू होने के बाद जो आपका पाठ्यक्रम होगा, जो आपकी प्रक्रिया होगी, वो कठिन हो जाएगी, आईएएस से भी कठिन होगी परीक्षा। तो ये कुछ बताया है, और इस ये सीधे सीधे केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री जी ने बताया है, जो कि हम लोग कह सकते हैं डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी हैं, और इन्होंने ही, इनके माध्यम से ही ये नई शिक्षा नीति की पूरी प्रक्रिया लाई गई है। यही इस प्रक्रिया के अध्यक्ष रहे हैं, और इसके अलावा इन्होंने इसको लेकर अन्य भी कई बातें कहीं, जिनको हम लोग आगे अभी एक एक करके क्लियर करते चल रहे हैं। तो इसमें देखिए, इन्होंने बताया कि किस प्रकार से परीक्षा होगी और क्या क्या उसका पूरा क्या किस तरीके से केंद्र में नकल वगैरह होती थी, उन सभी बातों पर इन्होंने चर्चा की। बाद में इन्होंने नई शिक्षा नीति को लेकर भी कई चर्चाएँ की, जिसमें इन्होंने बताया कि इस प्रकार की प्रक्रिया होगी कि जो कि काफ़ी टफ होगी, और पूरी प्रक्रिया एकदम, उसमें किसी भी प्रकार की किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। देश में नई शिक्षा नीति जल्द आएगी, इसके बारे में इन्होंने कहा, जल्द देश में नई शिक्षा नीति लागू होगी, यह भारत केंद्रित और रोजगार युक्त होगी। ये बहुत अच्छी बात कही है, लेकिन देखना होगा कि किस प्रकार से इस पर क्रियान्वयन किया जाता है और कैसी आगे की प्रक्रिया इसके लिए रखी जाती है। आगे एक खबर और है आपकी, इसी से संबंधित है, ये आपके शिक्षक, जो भी नए शिक्षक बनेंगे नई शिक्षा नीति के बाद, इनको जो वेतन होगा वो भी बढ़ जाएगा। इंटर तक के शिक्षकों का जो वेतन होता है, अभी जो आपका वेतन रहता है प्राइमरी के लिए अलग रहता है, जूनियर के लिए अलग, इंटर कॉलेज के अलग, प्रोफेसर के लिए अलग रहता है, लेकिन जैसा कि इन्होंने बताया कि प्राथमिक से लेकर के इंटरमीडिएट तक के शिक्षकों का वेतन बढ़ाने का प्रस्ताव नई शिक्षा नीति में किया गया है। तो ये भी एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, जिससे कि आप लोगों को, सभी लोगों को कुछ ना कुछ लाभ अवश्य मिलेगा। लेकिन जब तक नई शिक्षा नीति लागू नहीं होती है, तब तक इसके बारे में सटीक खबर नहीं दी जा सकती। इसके अलावा नई शिक्षा नीति में नर्सरी टीचर ट्रेनिंग, यानी कि
एनटीटी का जो बात होती थी, एनटीटी के तहत प्रशिक्षुओं को भी प्रशिक्षण दिया जाएगा, यानी कि एनटीटी वाले जो अभ्यर्थी एनटीटी किए हुए हैं उनको भी मौका मिल सकता है प्री प्राइमरी स्तर के लिए, यानी कि जो आपके प्ले ग्रुप वाला सेक्शन होता है उसके लिए भी इनको स्तर मिल सक इनको कहीं ना कहीं से लाभ पहुँचाया जा सकता है। तो ये आपकी नई शिक्षा नीति की बात हो गई, 69,000 भर्ती की बात हो गई और यूपी टेट 2019 की बिल्कुल सटीक बात हो गई। इसके अलावा दोस्तों सीटेट 2020 जो कि आपका पेपर होने वाला है 5 जुलाई को, उसकी लास्ट डेट फॉर्म की 24 फरवरी रखी गई थी, जिसे कि बढ़ा करके 2 मार्च कर दिया गया है। तो यदि आप लोगों ने अभी तक आवेदन ना किया हो तो आप लोग उसके लिए आवेदन कर सकते हैं, अभी भी आपके पास समय है, आप लोग इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। 2 मार्च डेट कर दी गई, 1200 रुपये दोनों फॉर्म भरने की फ़ीस है और 1000 रुपये एक लेवल के फॉर्म भरने की फ़ीस है। इसके अलावा जो अभ्यर्थी बीएड में एडमिशन चाहते हैं, बीएड के फॉर्म भी आ चुके हैं, उसकी लास्ट डेट 6 मार्च रखी गई है, तो आप लोग उसके लिए भी आवेदन कर सकते हैं। यही कुछ महत्वपूर्ण न्यूज़ आपके लिए लेकर आए थे। तो यदि आप लोगों को कुछ ना कुछ इससे फ़ायदा मिला हो तो एक बार जल्दी से लाइक कर दीजिएगा। इसके अलावा आपको बता दें डेली सुबह 7 बजे आपके लिए करंट अफेयर की क्लासेस को लेकर आते हैं, जिसमें हम लोग करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करते हैं, तो आप लोग उन क्लासेस को भी अच्छे से देखते रहिए, कवर करते रहिए और पॉइंट बाय पॉइंट डेली की क्लासेस के लिए पूरी प्लेलिस्ट का लिंक नीचे दिया गया है, वहां पर आप उनकी तैयारी कर सकते हैं। सुपर टेट की क्लासेस भी आपके स्टार्ट हो चुकी हैं, सुपर टेट का लिंक नीचे दिया गया। सीटेट 2020 पेडोगॉजी, सिर्फ और सिर्फ 1000 प्रश्न पेडोगॉजी के कराए जा रहे हैं, यहीं से आपका पूरा पेपर बनकर आएगा, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों ही। तो इन सभी क्लासेस के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए जाएंगे, तुरंत जाइएगा इन क्लासेस को देखते रहिएगा और सुबह 7 बजे की करंट अफेयर की क्लास से जुड़ने के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब करके उसके पास में जो एक बेल आइकन लगा रहता है उसको जरूर प्रेस कर दीजिएगा। आज की इस क्लास में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं हम लोग कल की क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ऑल द बेस्ट, थैंक यू दोस्तों, गुड बाय, टेक केयर।